सुबह तुलसी लेके बसदेही ब्लॉक में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बसदेही विधायक धर्म सिंह सिरसाम, जनपद अध्यक्ष संजय मावसकर, ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर पिंकी तिवारी, ब्लैंड सदेही सीईओ सिंह रोले एवं जनपद पंचायत स्टाफ से रितेश कावरकर, बीसी राजेश सूर्यवंशी, एपीओ भरत सिंह रघुवंशी ने बसदेही ब्लॉक की धाबा जामुलनी बानुर पंचायत में जनसंपर्क किया। आपकी सरकार आपके द्वार का वहाँ शिविर लगेगा, उसमें जो भी छोटी मोटी समस्या होगी उस समस्या वहाँ सुनी जाएगी। जो समस्या अगर तत्काल हल हो सकता तो वहाँ हल होगा, कुछ नियम को कारण लेट होंगे तो वो जो भी जिस भी विभाग से संबंधित होंगे वहाँ पर फाइनल होंगे। और जाकर उनके घर में जाकर उनकी समस्या सुने। जो लोग ने आपने जो हम लोग को जो जिम्मेदारी दी, जो बहुमत वोट देकर किसी को विधायक और किसी को सांसद किसी को जनपद अध्यक्ष आप लोग ने बनाया साथी। बसदेही विधायक धर्म सिंह सिर सामने जामुलनी पंचायत की पाटोली में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख की राशि देने की घोषणा की, बानुर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की और बानुर पंचायत के धोत्रा थाना में तत्काल बोर खनन के लिए अधिकारियों को आदेशित किया। जामुलनी पंचायत के ग्रामीणों ने मजदूरी भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर विधायक धर्म सिंह सिरसाम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 2018 से 19 में प्राथमिक शाला से पंचायत भवन और ग्रामीण चुन्नी कालू के घर से अरना नदी तक सीसी सड़क का निर्माण किया गया था जिसका भुगतान नहीं किया गया। नाम अभी आपका गोमा, क्या समस्या आपकी? सीसी रोड का पैसा नहीं मिला, सीसी रोड का पैसा नहीं मिला है? हाँ। कब से नहीं मिला है? ये अब ये साल बना हुआ था, गए वाले साल में ये गए साल तब से बारिश का पहले बना था मगर जैसा मिला नहीं, एक भी रुपये नहीं मिला उसका। एक वर्ष बीत गया है तब से, अब तक पेमेंट नहीं मिल पाया? नहीं। आपने इसको लेकर के सरपंच सचिव से बात की थी? हाँ, सब बोला उनको तो, मगर उनने बोले कि तुम्हारा तो पेमेंट निकल गया, तुमको काहे का पेमेंट होना बोलता, फिर हम जनता कहाँ जाएंगा। पंचायत में जो मजदूर भुगतान का मामला आया है तो इसको लेकर के क्या कहना है आपका? मेरा आज इधर जनपद अध्यक्ष और हमारे इधर इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र का दौरा हुआ, मुझे जगह जगह शिकायत मिली, लेकिन आप जो बानुर की बात बोल रहे हम पर शौचालय सीसी रोड अन्य जो यहाँ पंचायत के माध्यम से जो काम हुए लेकिन आज तक उनकी मजदूरी नहीं मिली। मैं उच्च स्तर पर इसकी जांच करवाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ जनपद सीओ के माध्यम से इसकी जांच करवाऊंगा और जिन लोगों को मजदूरी भुगतान नहीं मिली उनको मजदूरी दिलवाऊंगा और जिसने मजदूरी नहीं दी या जिसने लापरवाही की उसको तत्काल यहाँ से निलंबित हटाने के लिए मैं SDM साहब या कलेक्टर साहब को अवगत करवाऊंगा। ग्रामीण मजदूरों की समस्या को लेकर विधायक धर्म सिंह सिरसाम ने जनपद सीईओ को जांच के आदेश दिए। बसदेही से ब्यूरो आशुतोष त्रिवेदी की रिपोर्ट, SCN News India।